इतने सफाई करी है कि सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो ये तो एमसीडी की गाड़ी से ले जाना चाहिए था ना। गाड़ी तो यहाँ कोई नहीं आती ना, अभी दोबारा से यदि पानी आया तो उल्टा इसी में चला जाएगा। दिल्ली के छंगोला गांव में ऐलान के बाद भी नहीं पहुंचे सांसद हंस राज। हंस छंगोला गांव में रहने वाले लोगों को एक बार फिर हाथ लगी मायूसी। सांसद हंस राज हंस ने गोद लेने के बाद एक बार भी नहीं किया इस गांव का दौरा। लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर। आज सेवा सप्ताह के दौरान यमुना सफाई में पहुंचने वाले थे सांसद हंस राज हंस। यमुना की सफाई के नाम पर की गई खानापूर्ति झाड़ू लगाने के बाद गंदगी को यमुना के किनारे ही छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी दिल्ली में यमुना की सफाई कर सेवा सप्ताह मना रही है। सेवा सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बनाया जा रहा है, जहां पर आज राजधानी दिल्ली के अलग अलग यमुना घाटों पर सफाई अभियान चलाया गया। दिल्ली के नरेला विधानसभा स्थित छंगोला गांव में यमुना किनारे सांसद हंसराज हंस के पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया। लोगों ने उम्मीद लगाई कि कई सालों बाद सांसद साहब उनके गांव आएंगे तो उन समस्याओं से भी उन्हें छुटकारा मिल पाएगा। सुबह से ही लोग इंतजार करने लगे। यमुना किनारे लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे, लेकिन सांसद हंसराज हंस नदारद रहे। 9 बजे से 11 बजे तक लोगों ने इंतजार किया और फिर मालूम पड़ा कि मात्र सेल्फी लेने के लिए सांसद साहब चंद मिनटों के लिए एक घाट पर आए और वहां से चल दिए। आपको बता दें, यमुना किनारे बसा हुआ छंगोला गांव, जो कि सांसद हंसराज हंस ने गोद लिया और उसकी समस्याओं को दूर करने हकीकत में भी खाई थी। समस्याओं को दूर करना तो छोड़िए, सांसद साहब ने एक बार आना तक जरूरी नहीं समझा, जिससे यहां की जनता मायूस है। वहीं दूसरी तरफ यमुना सफाई के नाम पर भाजपा कार्यकर्ता खाना पूर्ति करते हुए दिखाई दिए। यमुना के किनारे झाड़ू लगाने के बाद गंदगी को वही एकजुट करके छोड़ गए, जिससे ये गंदगी वापस यमुना में चली जाए। भाजपा कार्यकर्ताओं के पास सफाई के दौरान न तो कोई गाड़ी थी और न ही एमसीडी की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी। यानी ये साफ है कि मैं उस खानापूर्ति और फोटो खिंचवाने के लिए यमुना सफाई अभियान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया। वादा करने के बाद भी सांसद प्राप्त न पहुंचने पर छंगोला गांव के लोग नाराज भी हैं और मायूस भी। उनका कहना है कि इस सालों से वह समस्याओं को झेल रहे नारकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन अब तक किसी जनप्रतिनिधि ने उनके समस्याओं को दूर करने के बारे में नहीं सोचा। और आज जब सांसद साहब को आना था तो वह भी फोटो खींचा कर चंद मिनटों में चल दिए। सर अपना नाम बताइए। कश्मीर सिंह। सर आपके जो लोकसभा के सांसद हैं, वो आज यमुना सफाई को लेकर आ रहे हैं। 2.5 साल से ज्यादा हो गया उनको, आपके गाँव को गोद भी लिया हुआ। क्या कुछ आपके गाँव में सुविधा मिली आपको, कितने काम कराए हैं? काम तो हमारे सामने एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। छंगोला नंबर 2 से लेके गोविंद नगर तक एक भी काम नहीं हुआ। क्या क्या मुख्य समस्या है? नालियों की, गलियों की सफाई? नालियों का पानी जो है ना, वैसा वैसा गलियों में भर रहा है, कोई सफाई नहीं है, पानी का निकास ही नहीं है। सांसद जी आपके गांव में आए थे, सभी लोगों से मिले थे, गुरुद्वारे में आके कसम खा कर गए थे कि आपके गांव में तरक्की करेंगे जी। देखो, हम तो इतना जानते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहते, कि राम के घर के अंदर कसम उठानी वो राम ही संभालता है। उसको उसने ऊपर उठाना है या नीचे बिठाना है। तो आज शायद आपके बराबर में जमुना है वापस सफाई के लिए आएंगे, क्या आपसे भी लोगों से भी मिलेंगे? क्या आपको जानकारी है क्या आपके सांसद पड़ोसी में आएंगे? इनकी बात भी देखते हैं, आज सुनते हैं, सुनेंगे जरूर। लगता है आपके पास आएंगे बात करने के लिए? घर पर तो नहीं आएंगे, बल्कि वहाँ जाना पड़ेगा ना हमारे को। आपको जाना पड़ेगा, हम तो मुखिया हैं वहाँ के। चल, इस घाट पर आज सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। हमने ये किनारा कितना गंदा था बिल्कुल साफ किया है, और ऐसे ही पूरी दिल्ली में जो है ना यमुना किनारे 73 पॉइंट थे, हमने आज यमुना सफाई का जो है ना संकल्प लिया था और यमुना सफाई की है, और हम आगे भी ऐसे करते रहेंगे। सर, सांसद जी आने वाले थे यहाँ पे सफाई के लिए, वो नहीं आए। अलग अलग पॉइंटों पे जो है ना सांसद जी को दूसरा पॉइंट है, विजेंद्र गुप्ता जी के पास है, नील दमन जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास दूसरा पॉइंट है, सभी अपने अपने जिसको जो स्थान स्वच्छता के लिए दिया गया था ये सभी अपने अपने स्थान पे गए। पहले भी आपकी पार्टी द्वारा यहाँ पे सफाई की गई थी, लेकिन सफाई के बाद जो कूड़ा था वो बाहर रख दिया था, लेकिन उसको डंप नहीं किया गया था कहीं। देखिए, अब आप देखेंगे आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा,
हम खुद हमारे जो बैग हैं, नहीं आपने तो उठा दिया, लेकिन साइड में एक गड्ढे में दबना चाहिए या फिर एमसीडी की गाड़ी आएंगी, गाड़ी आएंगी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था भाई साहब? नहीं, पिछली बार भी जो है ना हमने नहीं डाला ऐसे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसा कार्य नहीं करता। हम